छुटकत बज्र कपाट परम परस गुर पेटी है पूरब लिखत लिलाट उन मन 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 की मिले छुटकत बज्र कपाट वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र खासगुरी अंदर अपनी जिंदगी दे मिले हुए इस वास जिस सवास की कीमत कोई संसार का पदार्थ नहीं तार सकता उन्हां सवासां नूं संभलाउण दे लई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे शब्द का सहारा लेंदे इलाही गुरबाणी का कीर्तन आप जी शरण कर रहे जो कल गुरु बख्शीश नाल आपां विचार कीती है भगत रविदास जी महाराज पहला तो उन्हां पुरातन हो चुके युगां दे जो धर्म सन उन्हां दा जिक्र कीता सी कि सब युग विच लोग दान पुन करदे ने त्रेते विच लोग यज्ञ ते विश्वास करदे सन द्वापर दे अंदर देवी देवतियां दी पूजा आचरण बन गया ते इस कलयुग दे अंदर सिर्फ एक परमात्मा दे नाम दी ही कीर्ति है। दूसरा वचन जो हुण तक विचारिया कि हे तू युगां दी वंड करके दसण वाले विद्वान पंडित मैनू एक गल समझा कि इस भव सागर नू किवें तरिया जा सकदा जिस मनोरथ दी आपां संसार ते आए हां उस मनोरथ की प्राप्ति किवें हो सकती है जो जन्म मरण का ताना है आवागमन का चक्कर है खूह की टिंड की तरह भर के आने खाली हो के फिर तुर पे एक खूह दिया टिंडा का गेड़ कदों मुके मैं दस फिर बाद अगे वचन किया जो कल विचारे कहने अपने अपने धर्म मुताबक लोग कर्मा की व्याख्या कर रहे ते ज्यादातर जोर उन्हां कर्मां दे उत्ते दिता जा रहा है पर किन्नी मैनूं एक दसो हां कि केड़ा कर्म करिए जिहदे नाल साडे अंदर दी वंड करवा सकदे असीं छुट सकीए वंदना दी। फिर नाल वचन कीतो ने कहिंदे ने वेद पढ़ना है कुरान पढ़ना है ते पढ़न तों बाद भी शंका ग्रस्त हो जांदे तेनू दस के कर्म है जेडे अंदर दे अहंकार को मिटा दे देखो सारे सवाल ने अज अगे उत्तर शुरू होने दस के कर्म है जिदे नाल अहंकार छुटे क्योंकि तेरे तो शुभ कर्मा विचों भी आम की बदबू आ रही इन्हों का जिक्र हजूर ने बाणी विच भी किया कि जात ताप ज्ञान सब ध्यान खड़ शास्त्र सिमरत बख्यान योग अभ्यास करन धर्म क्रिया सगल त्याग वन मध्य क्रिया अनंत प्रकार किए बहुत जतना पुन दान होमे को रत्ना शरीर कटाए होमे कर राती वर्त नेम करे बहु भांति नहीं तुल राम नाम विचार
नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार सारिया का जिक्र कर दिया जो असी कल विचार रखे तपस्या की हमता बन गई अनक तपस्या कर अहंकार नरक सुरग फिर अवतार महाराज कहते दान मुन तेरे कर्म खंता में जुड़ गए मैं दस वो कि कर्म जरा अंदर के खंकार खत्म कर दे उस तो बाद गुरुदेव ने जिक्र किया तीर्थ का कहने के बाहर तीर्थ से स्नान करने ते तन की मैल उतरती है पर अंदर की मैल तो उत्थे स्नान करके बिना उतरी गुरुदेव कहते स्नान इस तरह है कि जिमें मन को एक हाथी को निर्बल नील में स्नान कराया हो बाहर निकल के हाथी अपने सिर के उपर मिट्टी से खाद फिर पा लो हंकार एक खाद की तरह है हुण आपे सवाल करके अज भगत जी अगो उत्तर दे लगे एक किवें साडी बंद खलासी हो सकती उत्थे फिर उन्हें एक वचन किया जो पिछों आप लड़ी शुरू करा कव प्रकाश रजनी जथा गत जान सब संसार आ तेन दसा कि जो परम सतगुरु का मिलाप हो जाए तो जेडे कर्म कांडा तू खंता करना पाया है गुरु का मिलाप हो जिमें सूरज चढ़े तो सूरज के प्रकाश न सूरज के चन्न रजनी का अर्थ दला रजनी जथा गत कि जिमें रात का हनेरा अपने आप चला जाता है सूरज चढ़ पवे प्रकाश हो जाए हनेरा बुक जाता है प्यारे ये सारी दुनिया को पता है जदों गुरु अपने ज्ञान का दीवा बालता है तो मनुख के अंदर के हनेरे को खत्म कर देता समर्थ गुरु ये कर सकता है अब थोड़ा जी पिछोकड़ लड़ी को जोड़ दें भगत रविदास साहब जी का एक पता है गुजरी राग लड़ी में वो कथा आए उस पदे उन्होंने कुछ बारमुखी भेटावान का जिक्र किया जिमें मूर्ति पूजा करने वाले सज्जन कई बार कुछ सुचिया चीजा मूर्ति दे जाके समर्पित कर दे शायद इन्हों भेटावान का सुचमता नाल देवता प्रसन्न हो जाए भगत रविदास साहब जी ने देखो जिथे तर्क किया गया केवल तर्क नाल खंडन नहीं किया सही मार्ग भी दसिया गया हुण अज तां सही रस्ता दसन लगे भी किस ढंग नाल केंद्र दी बलबंद खलासी हो सकती है भगत रविदास साहब दा वचन हुंदा है कहिंदे देखो आम तौर ते कर्मकांडी लोग अपने अंदर नूं सुचिया करन दी थां बाहर गौ दा दुध चो के लै गए कहिण लगे इह मूर्ति नूं भोग लवाना है ते भाई साहब इह शब्द पढ़ रहे सन कौ पंडित सोचा कौन था कहने के दुध चो के लै गए तो पुजारी को कह दिता है दुध बिल्कुल सुचा है भगत जी कहने दुध सुचा नहीं जो ग्वाले ने गां के मालिक ने दुध चोया तो उस तो पहला बच्चे ने थना पा के दुध चूहिया मूह थान पा के स्थान वह दुध उदो ही झूठा हो गया जो बछड़े ने चुंग लिया उस तो बाद तू खिड़े को फुल लैके गया कि यह सुचे ने महाराज कह लगे तेरा तो हाथ बाद लगा पर इस खिड़े को फुल की सुगंधी का भवरा पहला लै गया सच एवे इस फुल भवरे ने झूठिया कर दिता फिर तू चलते कोई दरिया का पानी लै आता यह पानी हथ का सुचा है कहने पानी तो पानी रहन वाले जीवा ने झूठा कर दिता मच्छियां ने मेंढक ने वो पानी झूठा कर दिता फुल भवरे ने झूठा किया पानी बच्चे ने झूठा किया दुध बछड़े ने झूठा कर दिता कह लगे हे मेरी मां मैनू दस मैं कितों फुल लैके आवा जिन्हां सुचे फुलां नाल अपने इष्ट की पूजा कर सकता अगला बचन कहने तू चंदन लै आंदा कि चंदन सुचा है भगत जी कहने चंदन तो उदो झूठा हो गया जदों विशीले जहरीले सप्पां ने चंदन दीआं टाहणीआं नूं अपनी जीव दे नाल चटिया अगे वचन करदे ने तू धूप दित्ती पर धूप बाद विच देवते कोल गई पहलां तां धूप जगाण वाले नूं सुगंधी आ गई यह सब कुछ झूठा हो गया देखो उन्होंने ज
जे खंडन किदा मैं बेनती की ओना राह दसिया कि खंडन केवल किसी के धर्म उपर सट मारना नहीं ये सही मार्ग दसन वास्ते किया गया हजूर सच्चे पातशाह के बचन के दूध तो बचर है थनो मिटा लियो फूल भवर जल मीन बिगा लियो माई गोबिंद पूजा कान लै चराम अबर ना फूल अनूप ना पामू मैल अंदर बेरे है कुयंगा बिक अमृत बसै एक संगा धूप दीप नी बेद आशा कैसे पूज करे तेरी दासा अगे वो वचन करते हैं तन मन अर्पू पूज चरामू गुर प्रसाद नरंजन पाम इतों गल शुरू करनी गुर प्रसाद नरंजन पाम बंदियां तो फुल भेटा करना है पानी भेटा करना है चंद्र भेटा करना है एक काम कर तू अपना तन ते मन क्यों नहीं पूजा विच दे देना ते देना किस देवते नूं पत्थर देण नहीं सतगुर जागता कह देओ भोली मालनी कहे एहो किनूं अपना तन मन देना है सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए ओ अविनाशी पुरख है सम रहा समय महाराज कह रहे हैं कि तन मन अर्पू पूज चराम गुर प्रसाद रंजन पाऊ पूजा अर्चा आए न तोरी मालक मेनु आ पूजा नहीं होंगी जेडी लोग कर्म कांड कर रहे ने कह रविदास कवन गत मोरी मेरी बंद खलासी के हो गई अज उन्होंने जिक्र किया कि जिन्नी देर तक सतगुरु का मिलाप नहीं उन्नी देर तक परमात्मा दे नाल मिलाप किवें हो सकता क्योंकि गुरु समर्थ है दास ने एक दिन अर्ज की सी कि धन गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र गुरबाणी विच सब तो ज्यादा जोर गुर प्रसाद ते गुर प्रसादी ते गुरु की नजर ते दिता गया क्योंकि गुरमत के अंदर समर्थ गुरु तो बिना जीव का आत्मक तौर पर विकास नहीं जिमें असी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ते हैं ते सतगुरु की परिभाषा सतगुरु के कर्म सतगुरु की बख्शीश हर एक गल का जिक्र किया गया गुरु ग्रंथ साहिब दे पहला तो महाराज जी के बचना च पढ़ी कि गुरु है कौन सतगुरु कौन है भावें सू सब पता है कि साढ़े लिए तो शब्द गुरु सुरत धुन जेला सू सब पता बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सार जां असी गुरदेव के बचन पढ़ने कि गुरु शब्द की साडा गुरु है हजूर ने फिर बाणी विच गुरु के जिहड़े लक्षण दसे उन्हां विच पहली गल तां इह कही असी गुरु के संबंध विच अक्रियत बड़ी बड़ी कीते कि जदों कोई सतगुरु कोल जांदा है पहली बात तां इह कि गुरु कदी भी किसी तो कुछ मंगदा नहीं जिहड़ा मंगदा है धन पदार्थ चेलिया की आस से जीता है सच एवे सतगुरु ते गुरु नहीं हो सकता पहली गल के गुरु दाता है दूसरी गल के गुरु ठंड का घर है कोई भी गुरु को तपदा होया आवे सतगुरु उस तप दे बंदे दे अंदर ठंड देते तीसरी बात के गुरु एक बलते हुए चराग की तरह है अंधकार मिटाने वाले ने जो अज भगत जी ने सूरी का जिक्र किया पर गल तो चानण की है चानण आ जाए तो खनेरा चला जाता है सतगुरु एक बलते हुए दीपक की तरह ने तो जो गुरु की शो लै लवे सच ये अंदरों अज्ञानता का खनेरा कटिया जाता है सतगुरु ने अमृत बाणी में वचन कहे कि गुरदाता गुर हिवै तार गुरुदाता है ते क्योंकि ये मैं त शब्द चुनिया अज भी असं देखने हाँ गुरु चेलिया से निर्भर करता है कई बार जितने व्डे किसी के अमीर चेले उन्ना व्डा गुरु मनिया जाता जितने किसी के पिछे ज्यादा लोग उन्होंने सब तो व्डो गुरु मनिया जाता है मैं बेनती करा सतगुरु के घर अंदर गुरु की परिभाषा ही करी धन गुरु नानक साहब ने तो अपनी रचना में ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵਾ ਝਾਟੈ ਪਾਏ ਵੇਖੈ ਲੋਕ ਆਸੈ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੈ ਕਾਲ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਧਰਤੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ
हजूर ने उन्हें बख्शिश की है, फरमाया कि गुर पीर सदाए मंगन जाए ता कबूल न लगी है भाई। गुरु मंगता नहीं, गुरु दाता है। गुर पीर सदाए मंगन जाए ताकि मूल ना लगी है पाए काल खाए पिछातों दे दान करा पछाण है। बेनती करा पहला शब्द के गुरु दाता है, कले पदार्थ नहीं। आप सिर्फ दाते दे अर्थ करने पदार्थ पदार्थ देने वाला, पर तन गुरु ग्रंथ साहिब कृपा करते हैं कि पदार्थ देने वाला केवल नहीं, सतगुरु दाता का जी दान देने वाला। अंदर भगती का दान देते धन पदार्थ ना कोई बंदा भी कमा के किसी को दे सकता है, पर सच ये प्रभु के नाम का दाता केवल समर्थ सतगुरु। इतने दाता पद है, हजूर ने ता ही बाणी च किया गुर दाता गुर किवै का, वो ठंड के घर ने गुर दीपक त्यो लोए अमर पदार्थ नानका मन माने सुख होए। जिदा मन गुरु नाल मन जाए उहदे अंदर नूं आत्मिक सुख मिलदा। इस तो अगे जो गुरु की परिभाषा दिती ते सुखमनी साहिब का वह पवित्र बचन श्लोक के सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाम। मैं थोड़ा जहा इस करके वेरवा पान लगा क्योंकि अज असी गुरु ग्रंथ साहिब विचों सतगुरु शब्द भी सुन के अर्थ आपो अपने करे जाते हैं, अपने अपने डेरे अपने अपने अडंबर। इं कह लो कि दाना गुरु ग्रंथ साहिब चो लेते हैं ते जाल अपने घर च बुन के जाल विच लोगों अपने जाल वसाई जाते। सतगुरु जो शब्द आता है मत कोई अपने किसी गुरु के अर्थ कर लग पाए। गुरमित भी जो सतगुरु शब्द के अर्थ करांगे ते सानू समर्थ धन गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द ते चेते रखो शब्द तो अगे शब्द समोए हुए ज्ञान के अर्थ करा कि गुरु का दिता हुआ ज्ञान। महाराज जी ने कहा सतपुरख जिन जाने सतगुर तिस का नाम, जिन्हें सतपुरख नू अकाल पुरख नू जानिया वो सतगुरु है। तिस कै संग सिख उतरे, इहो जे गुरु की संगत करके सिख का पार उतारा हो जाता है। नानक हर गुण गाओ। इस तो अगे बचन जो गुरु को कोई मिलता उंज वैसे गुरु की शोभ अनेक तरीकों मिलती है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का पाठ करिए। अज हजूर ने पारस ते तांबे की शोभ का जिक्र किया। सूरज चढ़े ते खनेरे ते जान का जिक्र किया है भगत जी। सतगुरु अनेक तरीकों अपनी शोभ देते जिमें सुखमनी साहब का पता है कि गुरु के कोई दर्शन करे तो दर्शन राही भी गुरु की छू मिल जाती, स्पर्शता मिलती, संबंध बनता है। जो कोई दर्शन करता है तो वो अंदरों भी बख्शिश गुरु की वर्तन लग पी। जो कोई गुरु की संगत में आके बैठता है तो संगत में भी गुरु की छू मिलती है। जो किसी उत्ते गुरु अपनी अमृत दृष्टि करता है उदो भी सतगुरु की छू मिलती है। जो सतगुरु के चरणों को कोई स्पर्श करता है उदो भी गुरु की छू मिलती है। सच ये जो गुरु अपना किसी को गुरमंत्र शब्द देता है उदो गुरु की छू मिलती है। ते उस छू में इतनी ताकत है कि गुरु स्पर्श करे मंत्र दे के एक आम बंदे को संत की पदवी बख्श देना। धन गुरु अर्जुन साहब के बचन के सफल दर्शन पेखत पुनीत ये सतगुरु की स्पर्शता है, गुरु की छू है। कि सफल दर्शन गुरु के दर्शन निफल नहीं। जो समर्थ गुरु मिलता है तो वो दर्शन भी छू मिलती है। हूँ आप कहे जी दर्शन किमें गल जो शब्द की चल रही है तो उदो मन च बड़े ख्याल उठते भी ये दर्शन की गल कि चलेगी। बेनती करा गुरु ग्रंथ साहब के शब्द की जो कोई जाप करता है उसका अभ्यास करता है सच एवे उस शब्द के अभ्यास में उस शब्द के जाप में भी गुरु के दर्शन। महाराज जी ने बाणी में बहुत थाई इसके संबंधी स्पष्ट भी किया। सफल दर्शन बेखत पुनीत परसद चरण गत निर्मल रीत। दूजा जो गुरु के चरण कोई स्पर्श करता है तो वो दे अंदर की अवस्था वो जीवन की रीत अख की निर्मल बन जाती है। यह भी स्पर्शता सफल दर्शन बेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग संग का अर्थ करा साध संगत
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰ ਦਰ ਰਵੇ। ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਆਗਾਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤਿਆਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਕਿਓ ਜਾਣਦਾ ਮੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਸੰਗ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਦੇਖੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਦਾਤ ਮਿਲੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਾਤ ਮਿਲੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਛੂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਪਾਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਿ ਗੁਰ ਕੁੰਜੀ ਪਾਉ ਨਿਵਲ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲ ਵੱਜੇ। ਪਾਉ ਨਿਵਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਦੇ ਸੰਗਲ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੁੰਜੀ ਪਾਉ ਨਿਵਲ, ਮਨ ਕੋਠਾ ਤਨ ਛੱਤ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਿਨ ਮਨ ਕਾ ਤਾਂਤ ਨਾ ਉਗੜੈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੁੰਜੀ ਖੱਜ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਖੋਲ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੁੱਲ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ 19 ਕੁ ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਟਿਕਾ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਜੇ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰੁਕੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ? ਤੇਰੇ ਜੈਸੇ ਨਗੁਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਪਰ ਇੱਕ ਚੋਟ ਵੱਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਨੇ, ਮਦਾਨੀ ਬਾਈ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤੁੱਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਿਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਤੱਤ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਗਲਤ ਕਹਿ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗਾ ਰਹੀ ਸੈਂ ਅੱਖਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ,
अर्थां दी समझ नहीं पई, पर जो कुछ सुनिया मेरे अंदर नूं बड़ा वड्डा धीरज मिलिया, टिका मिलिया। उस वक्त बीबी अमरो ने अमृत वेले के बचन कह कहन लगे, पिता जी ये कोई आम किसी की रचना नहीं, ये धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का शब्द है। यह शब्द है कि करनी ताकत मन मसवाणी, बुरा भला तो लेख पै, ज्यो ज्यो किरत चलाए तू चलिए, तो गुण नानी अंत करे, चित चेतस कीनी बाबरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, जाली रहन जाल दिन गुवा, जेती घड़ी फाही तेती, कह लगे देख तेरा जिंदगी किवें निकलती पई है, कि अस दिन ते रात जाल ते जाली बने ने, हर घड़ी जिहड़ी तू जाल नूं फस ना पिया। इहदे अखीर ते जिहड़े अर्थ कीते कि काया आरन, बंदे का शरीर एक लोहार की पट्ठी है, ये सच के इनू केवल असी प्रमाण वजो ना लेते, नाम तो बिना ठीक है बंदा खांदा है पांदा है पहनता है, पर बंदगी तो बिना शरीर इस तरह तपदा है जिवें बंदे का लोहार की पट्ठी तपदी हो। यह लोहार की पट्ठी है, मन इहदे विच लोहे की तरह तरह पिया सड़ी जाता है, पंजां वकारां की अग लगी है, ते पापां दे कोले ज्यों ज्यों पैंदे ने अग होर वजदी है, ते चिंता की सन्नी इस मन लोहे नूं घुट के पकड़िया है, कोई पासा भी मन का चिंता ने सड़क तो बिना नहीं चलिया, की बनेगा, मन का सड़ के मनूर हो चुका। बस इन्नी गल कही बीबी अमरो ने अर्थ कर दिया, ते अगो प्रेम दे आंसू आए, कहन लगे बेटा जो कुछ इन्हां अखरां च कहा गया मैनू इंज लगता है कि शब्द तां मेरे वास्ते, मन सड़ चुका है, मनूर बन गया है, इहदा हुण कोई बचा नहीं। मनूर नूं लोक सड़े हुए लोहे नूं घरों बाहर सड़ दिंदे ने, हुण साडी हालत हो गई कि मनूर वर्गा मन। पर अगे बीबी अमरो ने कहा, नहीं पिता जी ये उदाहरण लोहे की जरूरत है, पट्ठी की जरूरत है, चिंता की जरूरत है, सड़े हुए मन की है, पर सड़े हुए लोहे नूं लोहार घरों बाहर सड़ दिंदा है, पर गुरु ऐसा है जिहड़ा सड़े हुए मन उत्ते अपनी अमृत दृष्टि करे, वह सड़े हुए मन नूं भी कंजर बना देता, वह सोना बना देता। यह गुरु की करामात है। हजूर के बचन ने कि काया आरम, मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही, कोयले पाप पड़े तिस उपर मन जलिया, सन्नी चिंत पई भया मनूर, सड़ चुका लोहा। जिस मन का कोई भरोसा ही नहीं करता, कोई यकीन नहीं करता, पुत्र धियां बरादरी यकीन नहीं करती, पर गुरु नानक साहब कहते ने तेरा मन इन्ना कु निकम्मा हो चुका है, कोई तेरे ते भरोसा नहीं करता, तू अजे भी गुरु को ला, गुरु दे शब्द की अमृत दृष्टि तेरे सड़े हुए मन भी सोना बनाता है, इस को समर्था है। महाराज कहते ने कि काया आर्थ मन विच लोका पंच अग्रित लाग रही, कोयले पाप बड़े तिस उपर मन जलिया, सन्नी चिंत पई भया मनूर, कंचन फिर हो गए। जे गुरु मिले तनेखा, एक नाम अमृत को देवै तो नानक दृष्ट से देखा, एक नाम अमृत की बूंद गुरु दे दै ते एक कंचन बन सकता। जदों बीबी अमरो ने वचन कहे ते कहने बाबा अमरदास ने कहा, बेटा रो के यही ता अज दुपहर की मेरे कन्ना च आवाज गूंजदी कहे, इन्ना समा लंघ गया अजे तक गुरु वाला नहीं, सतगुरु वाला नहीं। कह लगे गुरु नानक साहब दे घर दी मैनूं दस पा दिंदी, मैं उन्हां नूं मिलना जिन्हां दा शब्द है। ते अगो बीबी जी ने कहा सी कि वह तो प्रभु प्याला कर गए, उन्हां दी जोत पिता गुरदेव के अंदर विराजमान है, खडूर साहब की धरती ते बख्शा वरदान दे पए। कह लगे बेटा फिर मैनूं तो उत्थे लै जा। बीबी अमरो बाबा अमरदास जी नूं खडूर लै के आई, खडूर साहब। जदों खडूर पहुंचे ने, मैं सिर्फ एक दो बेनतियां करनियां ने इस करके कि गुरु की छू मिले, तीर किशनाम वो कुछ नहीं कर सकता जो गुरु की छू करती, कर्म कांड वो कुछ नहीं कर सकता जो गुरु का शब्द करता है, बाहर की भटकना वो कुछ नहीं कर सकती
जो कुछ गुरु की अमृत दृष्टि कर दी। बाबा अमरदास को लेके गई खडूर साहब बीबी अमृत, आप घर चली गई। तन गुरु अंगद साहब उन्होंने देखा बेटी आई, कह लगे बेटा किवें? ते उत्तर दिता पिता जी, बाबा अमरदास जी का जिक्र किया कि वह नाल आए ने, हजूर सच्चे पातशाह आप उठ के अगे लैन वास्ते चले कुड़माचारी। पर जो कोई गुरु नेड़े लगेगा इतने रिश्तेदारियां नहीं चलदियां, इतने खून के रिश्ते ओनी थान नहीं जिनी शब्द के रिश्ते थान दी जाती। विचार का रिश्ता प्रवान है। हजूर सच्चे पातशाह आप उठ के अगे लैन गए, पर मैं आप कहोगे कि कुड़माचारी रिश्ते करके गए। मैं अगली बेनती जी करनी चाहता, जदों अगों लैन गए बाबा अमरदास बैठे ने, धन गुरु अंगद देव महाराज जी उठ के खड़े हो गए बाबा अमरदास, ते 25 साल गुरु अंगद देव तो वड्डे ने बाबा अमरदास, 25 साल वड्डे, क्योंकि गुरु अंगद साहब का आगमन सन 1504 का है, ते गुरु अमरदास महाराज जी का आगमन सन 1479 का है। 79 25 साल वड्डे ने तीसरे गुरुदेव छोटे गुरु अंगद साहब जी को। हुण उहनां दा इक कुड़माचारी दा नाता, धन गुरु अंगद साहब महाराज जी नूं देख के बाबा अमरदास उठ के खड़े हो गए। धन गुरु अंगद साहब उहनां नूं गलवकड़ी विच लै लगे, अपनियां दोनों बाहां खोलियां कि अपने गले दा लमा अपनी गलवकड़ी विच लावां। कहिंदे ने बाबा अमरदास ओह खुल्लियां बाहां रह दित्तियां, कलावे विच नहीं आए। इको दिन धन गुरु अंगद साहब दे चरणां च डिग पए, रो पए, ते ए शब्द क्या मेरे मालिक, मैं अज कुड़माचारी ते दुनिया का रिश्ता बना के बिल्कुल नहीं तेरे को आया, एक मनूर तेरे दर ते आया है। सुनिया तुसी अमृत दृष्ट करो ते मनूर सोना बन जाता हुंदा, मैं मनूर आया हाँ, मेरा कोई ठिकाणा नहीं, तुसी कृपा करो मैं अपने चरणा च थां दिओ, मैं एडी खस्ती नहीं कि मैं तुहाडे गले मिल सकां। इहनूं कवि संतोख सिंह उड़ानी श्री गुरु प्रताप सूरज इस तरह लिखिया है, वह लिखते ने लख संबंध संसार को पे सब कुछ ठाडे ठाडे दर ते खड़ा हूं। संसारिक रिश्ता देख के गुरु अंगद साहब उठ के खड़े हो गए। लख संबंध संसार को पे सब कुछ ठाडे, गर गिरदे को त्यार वह पट ते कर काढे, अपने कलावे विच गलवकड़ी विच रहन लगे। कहने उस वेले होया कि चरण गए श्री अमर तब, बाबे अमरदास ने चरण पकड़ लिया, गलवकड़ी च नहीं गए, चरण गए श्री अमर तब बंधन को ठानी, गल दिल पे को उचित ने कि लियो दास पछानी, के मानक मैं गलवकड़ी विच गले लगन वाला नहीं, मैं ता मनूर का एक कृपा गुरु मैनु अपने चरणा विच थां दे। मेरी बेनती है अपना आप मार दिता, हुण गुरु अंगद साहब के दर च कितनी बख्शिश वरती है। देखो गुरु को वो समर्था है कि करोड़ा जन्मों के विछड़े मिलावा है, असी देखांगे अगे थोड़े जे जदों मैं प्रमाण खोल दे। जदों गुरु को कोई जाता है फिर भावना लेके जाए। हुण देखो गुरु को जाण दे आगू अपने तरीके, मैं एक बेनती इंडिया भी करके आया, कहते कोई समुद्र का किनारा है अपने इतने नेड़े समुद्र, ते सारे बंदे समुद्र के कोल इको गिनती वाले ते नहीं जाते। कोई बंदा गर्मी के दिन लगे होंगे ने कहता चलो समुद्र में नहा के चलिए, वह नहाने वास्ते तुर पैंदा। कोई कहता चलो जो किनारे घूमा फिरांगे सैर करांगे, कोई बंदा कहता जो लहरां उठियां ने अज बोटिंग अज उत्थे आपां कश्ती उहदे राहीं लहरां के उपर आनंद माणांगे। एक ऐसा हुंदा है जेड़ा सिर्फ समुद्र विच टुब्बी मारदा है, ते किन्ना किन्ना समुद्र दे विच समा रहिंदा है, ते ओ डूंगा डुब्बी मारदा है ते अंदरों खजाना लेके बाहर आ जांदा। समुद्र ते इक होवे ते हर बंदा खजाने लैण दी दृष्टि नाल नहीं आया, हर बंदे दे अंदर दी सोच आपो अपनी है, कोई सैर करन आया है, कोई लहरां देखण आया है, कोई बोटिंग करने वास्ते आया है, कोई बंदा जेड़ा उत्थे केवल लोगों का मौज मेला देखना है। एक ऐसा है जेड़ा टुब्बी मारदा
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਲਟ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਚਾਖਣ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਵੇਖਣ ਹੁੰਦਾ ਲੰਗਰ ਚ ਅੱਜ ਕੀ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਆਪਣੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਸੁਣੀਏ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ, ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਚਾਖਣ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਔਗਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰਦੀ ਗਏ। ਲੋਕ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮਾਤੀ ਰਤਨਾ ਦੀ ਵਾਲੀ, ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣ ਜੇ ਗੁਰਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਤਨ ਬਣ ਗਈ। ਸੱਚ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ, ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੱਗ ਗਏ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਰਾਮ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੱਗ ਗਏ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲਕ ਰਤਨ ਅਪਾਰਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਤੋਲਕ ਪਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਸਮੁੰਦ ਬਰੋਲ ਸਰੀਰ ਹਮ ਦੇਖਿਆ। ਆਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤਰ ਸਮੁੰਦ ਬਰੋਲ ਸਰੀਰ ਹਮ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਦਿਖਾਈ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਬੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ, ਕਬੀਰ ਸਾਦਾ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਬਾਹਿਆ ਏਕ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਬਾਹਿਆ ਏਕ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਨੰਤ ਧੁਨੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਬਾਹਿਆ ਏਕ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਇਆ ਕੀ? ਲਾਗਤ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੌਮੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਗਈ। ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਬਾਹਿਆ ਏ, ਲਾਗਤ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰਿਆ ਕਲੇਜੇ ਸ਼ੇਰ, ਉੱਥੇ ਕਲੇਜੇ, ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਸਤੀ ਪੋਰੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਕੀ? ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗੀ, ਜੋ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈਏ ਕੂਕ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਣ ਮਾਰੇ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਆਈ? ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਕੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਭਰਿਆ, ਪਰਾ ਕਰੇਜੇ ਸ਼ੇ, ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਅਨਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨੇ,
जो शब्द का बाण मारिया कि कलेजे शीक होया मैं जमीन ते डिग गया। उस तो बाद उस तीर ने अपना रंग दिखाया, जख्म तां गया, शब्द अंदर गया। उस शब्द ने पहला काम की कीता, मेरे इंद्रियां नूं निर्जिंद कर दिया। हुण देखो जे इहदे अर्थ आपां बार बार की करांगे होर होणगे। कहिण लगे उस तीर का असर यह होया कि पहला मेरी जबान चली गई, मैं गुंगा हो गया। दूजा तीर ने असर किया, मेरिया अखां चो पानी ना सुके, हर वक्त प्यारे नूं पुकारा, लोग कहन लग पे कमला हो गया। तीसरा असर उन्हें किया, मेरे कान दोनों बंद हो गए, बड़े हो गए। चौथा असर उन्हें किया, ऐसा तीर तेज ही मेरे दोनों पैर उन्हें पिघले कर दिते, कहते ना मैं बोल सकना, ना सुन सकना, ना चल सकना। गुरु के शब्द ने यह किया, गुंगा हुआ बाबरा कबीर, गुंगा हुआ बाबरा, बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुरु पा। की गुंगा होया आ नहीं जे चुप कर दी, किवें गुरु ने गुंगियां कर दिता, कान किवें बोले हो गए, बाबरा किवें हो गया, ते पैरां तो पिंगला किवें हो गया। जेड़ी जबान दिन रात बोलती सी, जिन्हां लोकां नूं असीं देखिया भी नहीं उन्हां दी भी रस के निंदिया करने आ, जिन्हां दे नेड़े नहीं होए उन्हां दी भी बदनामी बंदा करदा है। गुरु ने पहला काम यह किया, कह लगे अपने इस मास के टुकड़े ते काबू मार, बोलना घट कर। उन्होंने निंदिया वाली गिरती तो बिल्कुल गुंगा कर दिता। हुण मन एक गल कहता है कि मना किस बंदे की निंदिया कर तुरिया। ते एक बार दास ने वैसाखी ते एक जगह बेनती की सी, कई साल पहले जिहड़ी साडी रहत मर्यादा दी श्री अकाल तख्त साहिब दी, उहदा बेस गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी है, बाणी उहदा आधार है। ते उस रहत मर्यादा जो दस्या है वह है बनगी मात्र, पर बाकी गल्लां सी गुरु ग्रंथ साहिब चो सीखणियां। वह तो एक साडे कोलों किताब जा के मर्यादा दा, उहदे विच सिख दी तारीफ, सिख कौन है, इहदा रोजमर्रा जीवन की है, साडे धर्म दे संस्कार की ने। ते बाकी जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब नाल जुड़ांगे सानूं अपने आप पता लगे। एक हिंद मैं विचों निकलिया कि जिहदे उत्ते गुरु अमृत दृष्टि करदा है छूं किहनूं मिलदी, उहदी तब्दीली की है। हुण गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच सुबह भी एक अर्ज कीती सी, पराए तन तों बचण लई बहुत जोर दित्ता गया, ते जिहनूं अज दा समाज, अज दा नौजवान वर्ग खिमा करियो, उहनूं आजादी दे नां ते लै रहे, पर गुरु ग्रंथ साहिब दे सिद्धांत नूं मन्नण वालियो एक गल याद रखियो, गुरु घर दे अंदर सब तो पहला बंदे नूं अपने मन ते काबू पाउण लई कहे, हट करके नहीं, जिथे परमात्मा दा चिंतन आ जाएगा उथे वासना दा चिंतन अपने आप ही चला जाएगा। इत्थे एक उदाहरण मैं दे देना, पिछले साल भी वो दित्ती सी, मैनूं याद रह जांदा किथे किथे की बोलिया। मैं कहा सी तीन शरीर दीआं चार लोड़ां ने, खास करके भुख प्यास ते नीर, तीन, चौथी वासना, इह भी एक भुख है। है कि जदों बंदे नूं पेट की भुख लगे ते इह कहे मैं रोटी दा चेता भुला देना, मैं रोटी नूं याद नहीं करना, साडे चेता भुलाउण दे नाल रोटी ने नहीं जाना, भुख ने नहीं मरना। साडे चेता भुलाउण दे बावजूद भी शरीर कमजोर होवेगा ते भुख अंदर प्रबल होवेगी। बंदा कहे मैं रोटी का चेता भुला दिता पर कमजोरी बंदे नूं मार देगी। प्यास लगी है, पानी का चेता भुलाएगा ते पानी दे चेते भुलाउण नाल गल नहीं बननी, प्यास बंदे दे अंदर नूं खत्म करेगी। नींद आ जाए कह मैं बिस्तरे का चेता भुला दिता, साडे बिस्तरे ने चेता भुलाया, नींद ने चढ़ना नहीं। इतों तक कि बंदा अपनी गड्डी ड्राइव कर रहा है, अखां खुलियां ने ते अंदर सौण लग पैंदा, चेतना सौण लग पैंदी, चेता भुलाया नहीं। भुख लगी है ते कर्म करना पएगा, खाना पएगा भोजन। प्यास लगी है ते कर्म करना पएगा, पानी पीना पएगा। नींद आईए ते कर्म करना पएगा, सौना पएगा। पर सच इवें वासना बंदे अंदर किसी भी पक्ष तो प्रबल होवे
गुरु नूं चेते कर ले ते वासना दा अंदरों चेता भुल जांदा है। सच वे कर्म करन तो बिना ही बंदे दी बंद उदासी हो जांदी। मेरी बेनती नूं समझ लो, जिथे गुरु चेता आ जाए वासना का चेता बुलाया। बड़े प्यारे बचन भाई साहब उन्होंने लिखे सन, वो कहते बंदा चोरी करता पूरी एकाग्रता, चोरी एकाग्रता में होंगी चेतन होके होंगी, चोरी कर रहा वेखता खब्बे सज्जे मैं कोई देखता नहीं, निक्की जी बिड़क रखता है। जदों वो चोरी कर लगा उन्हें समान बन लिया तो एकोदम परिवार का किसी जी ने आवाज दे दी, उन्हें खुंगारा ही मार दिता। खुंगारा मेरा ख्याल समझ गया उन्हें कई पुराने हजाम से पता, वो थोड़ा जा खं गया, वो चोरी करने वाले के हाथ कम गए। कह लगे वो बंदा माड़ा कर्म कर रहे हैं पर बार वो आवाज पे ते ओदे हाथ कंपदे ने, चोरी करदा बचिया समान छड़ के चला जांदा है। जदों बंदा पाप करन तुरदा है गुरु दा शब्द किते कन्ना च पै जाए साचे ओदे पाप छुट जांदे। शब्द च ताकत है। कबीर साहब कहिंदे ने निंदिया, मैं इत्थे बख जरूर अर्ज करना चाहना, जो गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ने प्राय तन तो बंदे नूं बचण लई कुरेज किया। चार बचन ग्रहता विच ਇਹ ਬੱਜਰ ਗ੍ਰਹਿਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਡੋਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ, ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਡੋਲਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਡੋਲਾ ਕਾਸ ਲਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, सिख ओदा बदला नहीं लै सकता। यह इतिहास की साखी है। महाराज उस वक्त कहते भी रस में आके कहा कि जे एक बंदा गंदगी विच खलोता होया चिक्कड़ सड़े, सिख ओदे बराबर गंदगी विच खलो के चिक्कड़ बद सदे। मैं अपने पंत नूं इन्ना पुछिया जाने कि दुश्मन की बहु बेटी नहीं देख के कह मेरी इज्जत हुण महफूज गए, सिख दे मुंडिया मेरी पत नूं कोई हाथ नहीं पा सकता। एक कवि संतोख सिंह के चार सत्रां ने वो लिखते हैं, पुन सिंगन बूझे गुणखानी, गुणखानी दर ते गुणा की खान धन गुरु गोबिंद सिंह। पुन सिंगन बूझे गुणखानी, सकल तुरत भुगवै विद्वानी, सिख बदला ले भला जनावै, गुर शास्त्र क्यों वर्ज हटावे। कहते पुन सतगुर बोले किस बेरे, हम ले जानो पंथ उजेरे। इस तुक नूं फिर सुने, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਕਿਸ ਬੇਰੇ, ਹਮ ਲੈ ਜਾਨੋ ਪੰਥ ਉਚੇਰੇ, ਨਹੀਂ ਅਦੋ ਗਤੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਵੋ ਤਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂ ਹਟਾਵੋ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡੋਬਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ कि गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द की नज़र च इन सुन लियो, जिन्ना पाप पराए तन दे कोल दे जान दा है, गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदा इन्ना पाप पराए निंदिया करना। दोनों शब्द कट्ठे ने, तुसी एक दो प्रमाण सी लै लेने, मन वे सोच रहा कौन कुमत है लीनी, गुरु तेग बहादुर जी मन वे कौन कुमत है लीनी, पर दारा निंदिया रस रखियो। दोनों कट्ठे पर दारा ते निंदिया, पर दारा निंदिया रस रचियो, राम भगत ने कीनी। सुखमनी साहब जी सी पढ़ दी के पर तरिया रूप ना देखा नेत्र, साध की पैर संत संगेत, ते महाराज जी ने अगली तो की गई करना सुने, दोनों बराबर आ गए। करना सुने काम की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। एक गुरु ग्रंथ साहब तो पुंगी निंदा चिंदा करें पराई, हजूर ने क्या पराई को निंदिया करना, झूठी लाए अतबारी, वेर पराई जो है जियड़े, करें चोरी बुरियाई। महाराज कहते देख एक तू पराई निंदिया, एक पराया तन, इं समझ लीए गुरु ने पहला तीरे मारिया। कह लगे दम कर अपनी जवान नूं गुंडिया कर किसी की निंदिया मत कर। हुण इत्थे इक सवाल उठता है कि सच नूं ते सच कहीए, तो मैं बेनती कर सच नूं मना तां सच गए तुस खुद जे सच कमा रहा। जे किसे नूं थल्ले ला ली तू कहना मैं सच नूं सच कहना, सच दो नहीं हुंदे सच एक हुंदा है। अपने बंद
बंदे का गुनाह देख के भी कहना कोई गल नहीं, ते विरोधी दे तू माड़ी जी गलती देख के कहना लोगों में मैं सच बोलना सवाल ते तां जे अपने घर का सच भी लोगों सामने प्रगट कर। सच की परिभाषा एक होंगी, सच दो नहीं होंगे, झूठ अनेक होंगे ने, सच नहीं कभी अनेक हो, सच केवल एक हो, झूठ दुनिया च बेअंत। गुरु ने पहला तीर मारिया शुद्ध ती उन्होंने गुंगा कर दिता, यह मतलब वो बोलता नहीं, यह मतलब यह नहीं कि उन्होंने बोलना नहीं होता, वो बोलता है सच ये बोलों गुरु की आवाज होती। गुंगा हुआ बाबरा झला हो गया, बहरा हुआ कान कन्ना तो गोला हो गया, कह लगे पांव ते पिंगल पाया मारिया सतगुर बाण, गुरु ने तीर मारिया चेंज कर दिता। अब उस तो अगे होर थोड़ा जहा तुर गया। गुरु ग्रंथ साहब मैं तीन सवैये दो आप तीन कर देना सारे देखो, जो जो आप बाणी पढ़ा गए हम कला स्टेजी गला नहीं ये करा तो गुरु आ करता, मेरा कह प्रैक्टिकल करिए ते जेड़े आप बैठे ने प्रैक्टिकल करने वाले, क्योंकि सीधी सारी जीवन जाते गला गुला हुई अगे ये पूछा जाना तू कि कथा की किमा करे उन्हें पूछना दस जिनी कथा की कमा के कि अगे करनी कीरत वाची है वह लेखा कर समझा कथनी नहीं करी करनी तू कर के की आया। तो सतगुरु ने तो बाणी क्या बाकी जो तू किया उन्हें कहना छट परा अवर करतूत सगली जमदान है गोबिंद भजन बिन तेली माने कि बंदे का अंदर तब्दील हुई। देखो शरीर हो सकता कई दिन तब्दीली हुई होना पिछोकड़ का जीवन देखो तो गुण देखो कितनी बड़ी तब्दीली है। गुरु ग्रंथ साहब भट्ट साहब ने एक बचन कह कहते बंदे का तन हो जो गुरु अंदरों विचार की तब्दीली लिया, विचार जो आचार बन जाते हैं, कल विचार नहीं विचार आचार बनते हैं आचर बनते हैं, फिर देखो बंदे की किवें कीमत पैन लगती। गुरु ग्रंथ साहब भट्टा ने कहा कहते जो गुरु अपना शब्द किसी को सुनाए रोज कन्ना च शब्द पै ते शब्द विच इन्नी ताकत है झूठे कच वर्गे मन गुरु शब्द की कृपा में कंचन बना देता। चेते रखो मटीरियल चेंज किवें हुंदा, विचार किवें तब्दील हुंदे, कच्चो कंचन भयो आजे रब प्रकाश रजनी जथा गत जान सब संसार तब्दीली की कच सी। गुरु ने शब्द सुनाया कच तो कंचन बना दिता, सारा दिन विचारां दी जहर सी गुरु ने कृपा की जबान तो वाहगुरु का नाम दिता उस नाम की बरकत न जहर जिहड़ा सी अमृत भी तब्दील हो लोहे की तरह निकम्मा सी। गुरु ने कीमती लाल बना दिता, सतगुरु ने पत्थर तो हीरा बना दिता, सच ये आम लंगर सी उन्हें चंद्र बना दिता। जिस बंदे की बिरती पशु वर्गी सी गुरु ने मनुख बनाया, मनुख तो गुरु ने उन्हें देवता बना। यह तब्दीली है गुरु की शूद सतगुरु के बचन ने कि कच्चो कंचन भयो शब्द गुरु सरवणे सुनियो बिख ते अमृत होयो नाम सतगुर मुख बनियो लोयो होयो लाल नदर सतगुर दा घर है पान मानक करे ज्ञान गुर कहो विचार है काटो श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिन के गए सतगुर चरण जिन परसिया से पासद परेत सोर नर भय। हुण सारी तब्दीली है जो गुरु बख्शिश करते हैं उदो सच एवे लोहे भी लाल बन जाते। बड़े ऐसे बने भाई साहब ने तक बचन होर कह गुरु की शोध, भाई गुरदास साहब ने उन्हों का बचन कह सतगुर पारस परसें कंचन करे मनूर मलीना। भाई गुरदास साहब की वाह उहदी पौड़ी गुरु की स्पर्श मिल जाए तो प्यारे वो मनूर नूं सोना बना देता है। सतगुर पारस परसें कंचन करे मनूर मलीना सतगुर बावन चंदनो वास सुवास करे लाखीना। गुरु वास विच भी सुगंधी भर दिंदा है, सतगुर पूरा पार जात सिमल सफल करे सगलीना। लोग कहते सिमल फिक्का ते फोका रहिंदा है, गुरु नदर करे ते सिमल विच भी रस भर दिंदा। मान सरोवर सतगुरु कांगो हंस जलो तद पीना, गुर तीर दरिया हो गए
पशु प्रेत करे पर बिना सतगुर बंदी छोड़ गए जीवन मुक्त करे ओडीना गुरमुख मन अपतीज पतीना तो गुरु ता बगलिया नु खंज बना देता गुरु ता पत्थरा दे अंदर पगला देता है गुरु ता सच एवे के बगले बिरती वालिया नु खंज बना देता है बगला गड्डिया मच्छिया खांदा है जदो गुरु तब्दीली लियांदा है सच एवे नु खंज बना के शब्द दा चोण करन वाला शब्द दा ग्राहक ते शब्द चखन वाला खंज बना देता बिरती करा सतगुरु दी शोभ जिसनों भी प्राप्त हुई उसकी जिंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीली आई जे असी गिनना शुरू करिए हुण गल ए ना जे ते असी सांगी सुनावांगे पुरातन सारे मन जाणगे ते जे वर्तमान में कला किसे नाल वापरे ते बंदा छेती मानदा क्योंकि जिउंदे नूं नहीं कोई मानदा मरियां दीआं सारे साधियां करदे जिउंदे बंदे जिहड़े तब्दील हो जाण ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਗੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਨਿਕਲਣੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਐਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਛੂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੂ ਮਿਲੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੂ ਮਿਲੀ ਤੁਲਸਾਂ ਦਾਸੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੂ ਮਿਲੀ ਰਾਏ ਕੁਮਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੂ ਮਿਲੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੰਤ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੂ ਮਿਲੀ ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼ ਤਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੱਚ ਏਵੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੂ ਮਿਲੀ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੂ ਮਿਲੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੂ ਮਿਲੀ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਮਲਕਾ ਨਵਾਬ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਰਹਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿ ਨੂੰ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਦੇ ਪਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਕੀ ਇਹ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਛੂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਬਾਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਿਡਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਸਵਈਆ ਹੈ ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾ ਬੰਦੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਛੱਡਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਕੜੀ ਸਿਰ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨੇ ਕਿ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾਨ ਲੈ ਜੇ ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਡ ਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ 50 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ 48 ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ 52 ਪਰ 50 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁਣੀਏ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲ 1532 ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ 1539 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ 50 ਸਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਰਹਿ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਟਕਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਿਰਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹਾਸ ਰਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਕਾ ਚਾਚਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਪੜਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਦਾਦਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜਿਆ ਕਿਤੇ ਪੜਦਾਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਪੜਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਖੀਰੇ ਮੋਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ
एक मर्दाने को तार का गुण सी ते लालो कोल हत्थी किरत सी दोनों के नाम मेरे बाबे ने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च दर्ज कीते। शलोक मर्दाना पहला ते दूसरा जैसी मैं आवै कसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान वे लालो हजूर ने वे लालो शब्द उत्ते वरत्या। भाई मर्दाना साहब उन्हां दी बाण पकड़ी गुरु नानक साहब ने प्रिंसिपल गंगा सिंह तक सर अपनी तकरीर में कोट करते होंगे सन के कल के फिल्म के एक रबाब सी मंगाया पहला आप ही सिखाया उन्हें आंदा ना बजाना सी चारे फुट तार वजी जंगली पहाड़ी तली सुने होया पार रहा आमन ना जाना सी सज्जन जय थक जब लोधी जय काबरा ने बाबर जय जाबरा ने सुनिया तराना सी बाबे दा रबाबी रब अपनी पिनी तार जी दी नाम मर्दाना जग तार ने बहाना सी। अब दूसरा फिर सुन बाबे दा रबाबी रब अपनी पिनी तार जी दी जिदी रबाब दी तार विचो रब दे नाम दा अमृत झरदा बाबे दा रबाबी रब अपनी पिनी तार जी दी नाम मर्दाना जग तार ने बहाना सी। जदो कोटे ने पकड़िया गुरु ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਛੂਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਫਸਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਬੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਂ ਚ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਵਰਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਪੰਛੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰਸ ਚੜਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਪਕੜਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਪਕੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਂਹ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਂਹ ਛੱਡਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਲਾ ਪੂਜਾ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜਾ ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਲੱਗੀ। ਬਾਲਾ ਪੂਜਾ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜਾ ਪੁਨ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਕਾਜਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਬਾ ਪਜਾਵੇ ਕਰ ਸੰਗੀਤ ਉਹ ਬੁਝੇ ਰਜਾਵੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਗਏ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਵੀ ਸਭ ਬੁਝੇ। ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਕਬੂ ਝੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਜਨ ਕਾ ਡਰ ਕੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਦਕੀ ਸੁੱਖ ਦੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਨਾਮਿਤ ਪਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਤ ਸਮਾਈ। ਪੱਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੱਲ ਧਨੈ ਕਿਆ ਦਾਰਕ ਦੀਜੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਜੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਧਨੈ ਕਿਆ ਦਾਰਕ ਦੀਜੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਅਰਬਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹਰਬਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਰ ਟੱਕੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਧਨੈ ਕਿਆ ਦਾਰਕ ਦੀਜੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਣੈ ਤਾਂ ਤੇ ਨਾ ਅਭਿਮਾਨੇ ਠਾਣੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਖਵਾਲਾ ਬਿਠਾਇਆ ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਧਨੈ ਕਿਆ ਦਾਰਕ ਦੀਜੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਣੀ ਕਿਆ ਦੀਜੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਬਾਣੀ ਕਿਆ ਦੀਜੈ। ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਣੀ ਕਿਆ ਦੀਜੈ
जे गुरु वल होवे ते लखां बावां तेनू मारन वास्ते आउण, जे गुरु तेरे वल है तेनू तत्ती मार दिंदा। जे गुरु नाल ने लखां बावां नूं खत्म कर सकदियां। देखो गुरु रामदास जी दा एक बचन आउंदा है, दशमेश कलगी धरती की बाणी विच वी एक बचन आउंदा है, चार निशान। हजूर सच्चे पातशाह ने कृपा की, कहिंदे सी बोलने साडी जीभ कम करदी, अंदरों पवन निकलती है, और साडे मूंह दे किसियां नाल टकरांदी, उहदे विच शब्द अखर जन्म लैंदे, अखरां दा जोड़ शब्द बनी जांदा। असीं बोलने हां जीभ घुम रही, असीं प्रशादा छकदे हां जीभ स्वाद लैंदी, ते दंद जिहड़े ने उह कटदे ने, जिहड़ी चीज़ रखोगे उह कटणगी। हर चीज़ नूं दंद कटी जा रहे, जिहड़ा मूंह च गई, पर जीभ इहनां दे खब्बे सज्जे अगे पिछे घुमदी है, पर दंदां दी इन्नी ताकत नहीं कि जीभ नूं कट सके, जीव नूं कर सकदे। ते मैं एक बार अर्ज कीती सी, जदों असीं गुरमुखी पढ़ने आ ते जिहड़ा तत्ते वाला वर्ग है, तवर्ग जिहनूं आपां कहिंदे, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग, ये तत्ते वाला वर्ग तां बोली तां जाणा अखर जे जीव दी किसी दंद नूं लगेगी। तत्ता थत्था दद्दा ते धद्दा, ये चारे अखर नहीं बोले जाने जिन्नी देर तक हुण जीव नूं बंदा दंद नाल लाण लगण दे, ते लगदी वी उह तिक्खी नोक नाल दंद नाल, तत्ता थत्था दद्दा धद्दा साइड ते नहीं लगदी। उह बोली तां जाणा, हो सकदा तुसीं बोल के वेंदे होगे अपने अपने मन च, उह लगदे इस तरह तत्ता थत्था दद्दा ते धद्दा। इह जीव दी किसी दंदां नूं छूंदी, ते दंद हर चीज कटदे ने, पर जीव नूं तत्ती बाह नहीं लगती। गुरु रामदास कहिंदे कम कर, तेनू मारन वाले बड़े टकर गए, तू गुरु ना छड़, तू गुरु की बख्श लई जा, ते देख जिवें बत्ती दंद कैंची की तरह हर चीज नूं कटदे ने, उह जीव नूं नहीं कट सकदे, ते लखां बाहां तेनू मारन वास्ते आ जांदे। गुरु नाल होवे ते तेरा वाल वी विगा नहीं सकदा। जैसे काती तीस मतीस है, विच रख है मसन रसना मास रत केरी, ये गौड़ी राग का शब्द है। जैसे काती तीस बतीस, काती दर्द करा गए कैंची, जैसे काती तीस बतीस गए, विच रख है मस रसना मास रत केरी, कोई जानो मास काती के विच रत है, मत कोई समझो दंदा की बंतर ते जीव दे हत्थ जे। कह लगे तां रब ने बंतर बनाई है भी घूमना भी उहदे विच ते दंदों तुसीं कटना नहीं, ये रचना परमात्मा दी है, कोई जानो मता समझो, ये मास ते काती दे हाथ विच नहीं। सब वस्कत कै हर केरी, त्यों संत जना की नर निंदा करे हर राख है पैर, जब केनू कलगी धर जी ने कहा कि जिस नूं साजन राख सी, दुश्मन कवन विचार, स्वय न सकै तै शाह को नेफल जाए गवार, जो साधु शरणी परे तिनके कवन विचार, दंत जीव जीव राखे दुष्ट अरिष्ट संघार। महाराज कहिंदे ने जाम गुरु को बल तन का गर्व कीजे, जाम गुरु को बल लख बाहें क्या कीजे, जाम गुरु को बल ज्ञान अर ध्यान आनन पर, जे गुरु बल होवे गुरु दी शोध मिल जाए, ते सिख किसे दूजे ज्ञान ध्यान वर झाकदा। जाम गुरु को बल शब्द साखी सो सच्चा है का, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਸਖਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸੱਚਾ ਕਰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਐਨਸ ਕਰੇ ਦਾਸ ਭੱਟ ਬੇਤ ਕਹਿ, ਜੋ ਗੁਰਨਾਮ ਰਿਤ ਮੈਂ ਧਰੈ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੂੰ ਠਹਿਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਲੇਪ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਬ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਰੱਬ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਸੂਰਜ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਜਨੀ ਜਥਾਗਤ, ਇਹ ਜਥਾਗਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, ਰਜਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹਨੇਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਜਨੀ ਜਥਾ ਰੱਤ ਜਾਂਦ ਸਭ ਸੰਸਾਰ।
सारी दुनिया जानती है कि अनपढ़ तो अनपढ़ बंदे नूं पता है कि सूरज चढ़े ते हनेरा चला जाता है। जान सब संसार कहते पारस मानो तांबो चूहे, जिवें मान लो एक पारस तांबे नूं छूंदा है, क्योंकि बाणी विच बड़े प्रमाण गुर पारस हम लोग मिल कंचन होवा राम। कहते जिवें एक पारस तांबे नूं छूए ते हुंदा की है, कनक होत नहीं बार, कनक दा अर्थ सोना, बार दा अर्थ देरी, कनक होत नहीं बार। जदो पारस तांबे नूं छू जाए ते सोना बन गया, देरी नहीं लगती, ते जदो गुरु किसे दे अंदर नूं छू जाए ते उहनूं ब्रह्म ज्ञानी बन गया, देरी नहीं लगती। फिर बेनती करा रब प्रकाश रजनी जथागत जानत सब संसार, पारस मानो तांबो छुए, महाराज कहते कनक होत नहीं बार, सोना बन गया, देरी नहीं लगती। ते एक होर बेनती करते हैं कि गुरु ने अर्थ भी असं बड़ी बड़ी किए चरण देवा, हुण जिहड़ा हनेरा है नखदार कर कह दी मुंड कोई नहीं, कोई हनेरा नहीं। सियाने लोग कहते एक बार हनेरे ने शिकायत की रब को समझाने लिए, कहना मैं सूरज ने टिकन देना। रब ने सूरज को कहा कि तू हनेरे क्यों टिकन दिता, वह मेरे सामने लै गया, उन्हें क्या तेरे सामने आने नहीं, वो कहना मेरे सामने लिया जिन्हें शिकायत की मेरे ना गल तो करे, वो मेरे मेरी कितने अनुभूत नहीं, उसकी लत्त पसा कौन की देर खलोवे तो सही। सच है प्रकाश की अनहोण का नाम ही हनेरा है, अपनी ओर कोई हस्ती नहीं, प्रकाश आए तो बुला जाता, जरा हनेरा है वह धक्के ना तो नहीं जाना। देखो जी अंदर दियानत है ना, असं की बाहों के बल ना कर ली, मान लो एक कमरे च हनेरा है तो सारे घर के जी डांगा तेल ला के दे सारी डांगा मारी तो डांगा हनेरा कटिया जाए। असी जे कही भी जेड़ा ज्ञान शब्द ना आना है वह बार के बकरे बुला नहीं आना, मेरा पंजाबी तो शब्द समझ गए हो, बाहर के ललकार अंदर दियानता नहीं जानी। सारे जीव डांगा मारी जाओ, गंडासियां मारी जाओ, कुरबाना मारी जाओ, तीर लैके आए निके निके न्याणे भी ला लो, सारी सारी रात हनेरे नूं कुटो, आप तो थक जाएंगे, हनेरे भी नहीं जाना। एक काम करो दीवा बाल लो, डांगा रहन दो, सच है जिथे दीवा बाल गया उथे डांगा भी धरिया भराइया रह जाए। हनेरे का झगड़ा है, चानण का तो झगड़ा ही कोई। गुरु ग्रंथ साहब ने कहा दीवा बले अंधेरा जाए, जो दीवा बलिया उदो अंधेरा चला गया, जो गुरु के शब्द का ज्ञान का दीवा बलिया उदो अज्ञानता चली गई। पर वो दीवा किवें बलेगा यह भी असी बाणी चो देख लीजिए। सतगुरु ने तो गुरु ग्रंथ साहब के शब्द को दीवा किया, सतगुरु शब्द उजारो दीपा, सतगुरु शब्द उजारो दीपा, बिन से अंधकार तै मंदर रतन कोठली खुली, अनुपा अंदर दीवा बलिया के रतना की कोठली खुल गई। किवें दीवा बले, मैं इतने एक छोटी जी कहानी कह दिना, केवल कान रस नहीं, दिवाली की रात सी ते लोग दीवे बालते पैसे तो अपने भी पढ़ते ना, दिवाली की रात दीवे बाली उनका संबंध दिवाली बन गया, उसका संबंध मौत ना है भी। दिवाली की रात बड़ी चानने वाली है तो किनिया रात चानने वाली करेगा, अज नहीं करेगा ना मना, अज दीवे बाल कल फिर हनेरा देखना पैना है, आ किन्ने कु दिन की चाननी तेरे को रहनी, एक दिन मौत का हनेरा जरूर होना। पर दिवाली की रात लोग दीवे बालते सन, तो पिंड के विचकार एक रुख है, इनू कहानी नू कर्म कांड के ना सोचो, मैं कर्म कांड कितने प्रचार लगा, सारे लोग उहदे पिपल दी थड़े ते दीवे रख के गए भी दीवे बालते पे। एक शूदर का बच्चा आया जी चौकड़ी चो, उन्हें अपनी मां नू कहा मैं भी दीवा बालना, उन्हें एक टेढ़ा जिहा दीवा दे दिता, थोड़ा जिहा मैला तेल पा दिता, मैला जिहा रूम वट के बत्ती बना के दे दिती, वह चला गया उत्थे दीवा बाल दिता। इन्हीं दिन नू स्वर्ण जाति वाला आया, उच्ची जात वाला आया, उन्हें भी न्याणे ने दीवा बालिया, उन्हें देख दिया सार क्या कहता शूदर जिथे साडा दीवा बालदा विचों कपड़ा दीवा, वो कहता चलो अच तो सारे बाल दे, कहते सारे की गल नहीं तेरी गल चुक दीवा, उन्हें क्या मैं नहीं चुकना।
ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਮੈਂ ਫੂਕ ਮਾਰਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ, ਆਪਣਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਵੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਗੁੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਪਿਆ, ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ, ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੁਝਿਆ ਤੇ ਬਲਨੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰ। ਉਹਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੁਝਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਬੁਝਾ। ਉਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੁਝਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਦੀਵੇ ਲੜ ਪਏ ਆਪਸ। ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤ ਪੈ ਗਈ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਚ ਪੱਟਿਆ ਸੀ ਘੁਮਾਰ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਚ ਆਏ, ਇੱਕੋ ਪਾਣੀ ਚ ਗੋਇਆ, ਇੱਕੋ ਚੱਕ ਤੇ ਕਮਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਸਹਿਆ, ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਕ ਯਾਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਚ ਲਾਲੀ ਪਾ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਰ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਖਰੀਦ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਆ, ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ, ਇੱਕੋ ਚੱਕ, ਇੱਕੋ ਪਾਣੀ, ਇੱਕੋ ਅੱਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਫੇਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਡਾਂਗ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ, ਦੀਵਾ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੇ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਜਾਏ। ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਖਿਰ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਕਰਮ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸਨ ਆਪਸ, ਤੇਲ ਲੜ ਪਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਤੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੀਵਿਆਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ, ਤੇਰਾ ਰੱਖ ਮੈਂ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਤੇਲ ਨੇ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਸਰੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੋਰੀਆ ਸਰੋਂ, ਰਾਈ ਸਰੋਂ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਕੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਚੋਂ ਝਾੜ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੱਧ ਕਿਸਮਤੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ, ਪਲੀ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਕੋਈ ਪਲੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਚ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਖਰੀਦ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਵਾਲਾ ਖਰੀਦ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕੋ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਤੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਬੱਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪੈਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਇੱਕੋ ਕਪਾਹ ਬੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜੇ, ਜੋ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿੰਡੇ ਖਿੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਲਿਆ, ਵੇਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਂਜਿਆ, ਪੀਂਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰੂਹ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਰੂਹ ਪਿੰਜਣੀ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਖਰੀਦ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈ, ਪਰ ਭੈਣੇ ਦੁੱਖ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ, ਰੂਹ ਦੀ ਬੱਤੀ ਕਿੰਨੀ ਛੱਡ, ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੀਵੇ ਲੜਦੇ ਪੈ ਸਨ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਠੁੱਡੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅੰਧੇਰੇ ਚ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਕੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਦੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਚਿਸ ਲਈ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਦੋਨਾਂ ਚ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ। ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬੋਲ, ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਪੀਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੁੱਝਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਬੁੱਝਾ ਹੈ, ਆ ਤੂੰ ਨੇੜੇ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸ਼ੋਧਰ ਕਿੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਸ ਦੀਵੇ ਚੋਂ ਮਿਲੀ,
अगला काम उन्हें किया, उन्हें दोनों दीवियां दे मुंह मिला दिते, ते दोनों की लाइट एक हो गई। जब दोनों की लाइट एक हुई तो उन्हें क्या हुण मैनूं दसो तुहाडे विचों शूदर कौन ते ब्राह्मण कौन है। कह लगे बाबा बस बुझियां की लड़ाई सी, जागदे होयां की कोई लड़ाई नहीं है, हनेरे की लड़ाई है। चंद की लड़ाई कित्थे? चानण वाले थां रोशनी भी जीण वाले एक मिंट ने सिचे रखियो, हनेरे विच की दीवे झगड़ते ने। मैं ये अर्थ कई बार करना हुंना, एक पासे हिंदू रब के नाम से झगड़ रहा सी, दूजे पासे मुसलमान झगड़ रहा सी। मेरा गुरु नानक आया, उन्हें कहा ये तो काशी ते पंडित झगड़न लग पे, इन्हां तां रोशनी देनी सी। उन्हें देखा अंदरों बुझे ने, उन्हें नाम की ला के रोशनी दोवें बाल दिते। मंदिर दे टल खड़काण वाला कह लग पिया मेरा गुरु नानक, ते खाजी खाज करन वाला कह लग पिया मेरा पीर नानक। सिर्फ बेनती कर दीवा बल जाए, हनेरा चला जाता है, किवें बले दीवा। गुरु ग्रंथ साहिब विच एक शब्द कहे अछल छलाई नै चले, क्यों कहो कटारा कर सके। ओदी राहों दीआं दो दुकान, फिर तेल दीवा क्यों जले, तेल तो बिना दीवा किवें बलेगा। महाराज कहते हैं अंदर का दीवा बलना, पोथी पुराण कमाई है, जेडे तू धर्म ग्रंथ पढ़ने इन्हों कमा, इन जिंदगी धारण कर। पोथी पुराण कमाई है, पौ वट्टी इत तन पाई है, रब के भय की वट्टी पा इस दीवे अपने तन में। पोथी पुराण कमाई है, पौ वट्टी इत तन पाई है, सच बुझन आन जलाई है, सच की रोशनी सिमरन के नाल बाल ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ ਕਰ ਚਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤਉ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਰਵ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਜਨੀ ਜਥਾ ਤਤ। ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਪਾਰਸ ਮਾਨੋ ਤੰਬੋ ਜੂਏ ਕਣਕ ਹੋਤ ਨਿਬਾਰ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਸ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਏ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰਮ ਪਰਸ चेते रखियो, ते शब्द परम आया, परम दा अर्थ वड्डा, परस दा अर्थ कुछ विद्वाना ने पारस कीता है, पारस दी शो। परम परस गुर भेटिए पूर्व लिखित ललाट, अर्थ दे शुरू करांगे के ललाट मथा, जिन्हां दे पूर्वले ललाट ते मथे ते लेख टिके ने उसका पारस छड्डो। भगत रविदास कहिंदे नूं उहनां ते परम पारस मिलदा है गुरु, परम परस गुर भेट गए, पारस गुरु, पारस तो भी वड्डा गुरु। पूर्व लिखित ललाट उन मन, मन इतने मिश्रा उन मन दर ते उल्टिया होया मन, कई ने अर्थ किया उच्चा मन, पर योग अंदर उन मनी एक अंदर दी अवस्था। कल दिन असी जिक्र खोल के करांगे। महाराज कहते ने देखो उन मन, मन ओ जेड़ा मन अगे पुठा तुरदा सी ओ विपरीत हो गया, माड़े कम्मां तो उल्ट गया, मन ही मिले। हुण इत्थे मन ही मिले दे अर्थ आत्मा करा, मन ही मिले ओ उल्ट गया, वो वृत्ति आत्मा दे परम सोच मिल गई। छुटकत बजर कपाट, जदों ओ मन पलटिया ते जेड़े कई जन्मां दे पत्थर वर्गे दरवाजे सन, गुरु ने कृपा कीती कण कण करदे सारे दरवाजे टुटे। जदों गुरु की बख्शिश हुई, इत एक बेनती कर दिया, परस परम परस क्यों गया? क्योंकि पारस सिर्फ तंबे को सोना बनाता है, पित्तल को सोना बनाता है। यह परम पारस त्या क्या कि पारस सारी जिंदगी जिन्नी बारी गोवा लगेगा सिर्फ सोना बनाएगा, पर गुरु पारस एवे जेड़ा सच एवे कला सोना ही नहीं बनाता, गुरु अपने वर्गा पारस बना देगा। एक पाश कवि दिया दो सत्रां ने कह लगे पारस मैं अर संत मैं बड़ो अंतरो जान। पारस विच ते गुरु विच बड़ा अंतर है। पारस मैं अर संत मैं बड़ो अंतरो जान, वो लोह कंचन करे, पारस लोहे तो सोना करता है, पर गुरु की करता है वो करा है आप समान, गुरु की करता है सिख नूं चरणां नाल जोड़ के अपने वर्गा बना लेंगे। पारस अपने समान नहीं बनाता। धन गुरु अंगद साहब ने बाबे अमरदास अपने वर्गा बना लिया, गुरु नानक साहब ने
लहना साहब जी नूं गुरु अंगद बना लिया। मेरे कलगी वाले ने तरस किया, पंजा नूं अमृत दिता, ते जदों पंजा अगे गोडे टेक के कहा वीर आसन विच कहा मैनू अमृत की दात दिओ, सच इहदे गुरु गोबिंद सिंह ने उन्हां पंजा नूं अपने दात बना, गुरु अपने बराबर बनाता है। पर इत्थे लड़ी समाप्त नहीं, कल मन का जिक्र थोड़ा जिहा जरूर करना है। उन मन की है ते मन का मिलना की है ते अगलियां सत्रां कल दोपहर के दीवान विच आपां विचारांगे। साध संगत आओ, अमृत की दात लईए। मैं बेनती करांगा यह नहीं किसी को धक्का करके भी धक्का नहीं करन विचार, चेते रखो जिथे भी धक्के नाल धर्म प्रचारिया गया ना कुछ समय तो बाद उस धर्म के लोग अक्सर निर्दयी वृत्ति के धार्मिक हो जाते, क्योंकि जिस तरीके खिंच के लिया करते उन्होंने एक दो पुस्तकों तो बाद उन्होंने संतान भी उस तरह बन जाती है। पर गुरु घर अंदर प्रेरिया जाता है, प्रेम किया जाता है, तो उन्होंने कहा जाता है भाई जे जिंदगी का पार उतारा करने तो फिर गुर जहाज खेवल गुरु, गुर बिन तरिया ना होए, गुर प्रसाद प्रभ पाई है, गुर बिन मुक्त ना हो। गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है भी गोद, कहो नानक प्रभ ए जनाई बिन गुर मुक्त ना पाई है। गुरु तो बिना अंदर की मुक्ति नहीं। बाकी विचार कल का एक दीवान होर है, आप संगत का कल धन्यवाद भी, क्योंकि बड़े प्रेम नाल हर रोज काफ़ी गिनती में सुन आए, सतगुरु थोड़ा सब का भला करे, इन बेनतियां स्वीकार करो। आओ करो कृपा, लड़ी ना भूलो बेनती है, साध माई भाई प्रेम करो नाम उच्चारण करो जी वाहे गुरु।